Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ पानीपत में। मैं हूं आपके साथ सोनम। चार साल पहले 10वीं कक्षा में परवान चढ़े प्यार को परिजनों ने स्वीकार नहीं किया तो प्रेमी जोड़ा घर से फरार हो गया, जिसके बाद दोनों का शव देवीलाल पार्क के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। क्या था पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पानीपत देवीलाल पार्क के पीछे रेलवे ट्रैक पर प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि चार साल पहले 10वीं कक्षा में परवान चढ़े प्यार को सर्वजनों ने स्वीकार नहीं किया तो प्रेमी युगल घर से फरार हो गया। शनिवार शाम 7 बजे प्रेमिका और रविवार सुबह 7 बजे प्रेमी का शव देवीलाल पार्क के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। प्रेमी की जेब से मिला आधार कार्ड से उसकी शिनाख्त मनीष सैनी के रूप में हुई। वहीं किला थाना पुलिस से संपर्क करने के बाद प्रेमिका की पहचान सिमरन के रूप में हुई। सर्वजनों ने एक दूसरे पर उनकी हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाया है। परशुराम कॉलोनी का रहने वाला मनीष ट्रक ड्राइवर था। शनिवार दोपहर परिवार के साथ खाना खाकर मनीष अपने भतीजे के लिए खाने की चीज लाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन घर नहीं लौटा। 2-3 घंटे बाद भूल भुलैया चौक निवासी राजेश कुछ लोगों के साथ उनके घर आया और मनीष के बारे में पूछने लगा। मनीष पर उसकी बेटी सिमरन के अपहरण का आरोप लगाया गया। देर शाम लड़की पक्ष ने मनीष के खिलाफ किला थाने में केस दर्ज करा दिया। रविवार सुबह वार्ड पार्षद के माध्यम से जीआरपी ने उनसे संपर्क किया। देवीलाल पार्क के पास मनीष का शव मिलने की जानकारी दी गई। शिनाख्त के बाद उन्होंने सिमरन के सर्वजनों पर हत्या करने का शक जताया तो जांच अधिकारियों ने घटना स्थल से महज 100 मीटर दूर सिमरन का शव मिलने की बात कही। 6:40 पर रेलवे में वो मिला था कि एक डेड बॉडी जो है बाबरपुर रेलवे स्टेशन के पास पड़ी है। इसकी सूचना पर मैं वहाँ मौके पर गया। डेड बॉडी जो है ऊपर का आधा हिस्सा मिला, आधा हिस्से की हमने काफ़ी तलाश करी जो नहीं मिल पाया। पैर वाला हिस्सा नहीं मिला है। किसके सर डेड बॉडी का? डेड बॉडी मुनीस लड़का है, मुनीस सनोप सुखदेव बदावराम कॉलोनी से। सुसाइड है या नहीं? जी, सुसाइड किया है। तो क्या पता लगा अभी तक? हालत कुछ नहीं, इनके घर वालों ने कहा भाई कल रात 18 तारीख को ये घर से गया था, कोई अभी तक इनके बारे में नहीं, इनके घर वालों से ये बताएंगे। मगर इन्होंने कहा भाई कोई निजी कारण से इसने सुसाइड किया। प्रेम पर्सन भी बता जा रहा लड़की का भी डेड बॉडी मिला। हाँ, मैं एक कल जिससे पहले कल शाम को जो है एक लड़की की डेड बॉडी भी मिली थी और उसका एरिया जो ये मिली है उसमें थोड़ा बहुत का ही फर्क है, मतलब ज़्यादा 200 या 300 मीटर का फर्क है जहाँ पे दूसरी डेड बॉडी मिली है। ये छात्र था या कुछ और करता था? नहीं, ये ड्राइवरी करता। उधर लड़की के परिजनों ने बताया कि सिमरन शनिवार को सुबह लगभग 6 बजे घर के बाहर खड़ी थी, तभी बाइक सवार दो युवक उसे बैठाकर फरार हो गए। मां वंदना ने सिमरन की तलाश की लेकिन उसका कोई भेद नहीं लगा। पिता राजेश सर्वजनों संग मनीष के घर पहुंचा और सिमरन के बारे में पूछा। उन्होंने मनीष और सिमरन के बारे में कोई जानकारी नहीं होने का दावा किया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों की तरफ से एक दूसरे पर हत्या का आरोप भी लगाया गया है। अभी जांच में आना बाकी है कि यह हत्या थी या आत्महत्या। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
us to your learning. Life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, sapno se behtar kal. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining. पच्चीस सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करिए आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।